मौसम की मार के चलते सोयाबीन के बाद अब किसानों की प्याज की फसल बर्बाद हो रही है। खेतों में नमी के कारण फंगस अटैक से प्याज की फसल पर जलेबी रोग फैल गया है। जलेबी रोग के कारण प्याज की फसल को वृद्धि नहीं मिल पा रही। कई किसान खेतों में कल्टीवेटर चलाकर प्याज की फसल उखाड़ रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुई वर्षा के कारण एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं अब प्याज की फसल भी प्रभावित होना शुरू हो गई है। खेतों में प्याज के रोपे जलेबी की तरह गोलाकार ले रहे हैं। फंगस के कारण इस तरह की स्थिति बन रही है। ऐसे में एक दो नहीं बल्कि कई किसान हैं जो प्याज की फसल पर जलेबी रोग होने से चिंता में आ गए हैं। कुछ किसान तो कल्टीवेटर चलाकर प्याज की पूरी फसल को उखाड़ चुके हैं। दरअसल प्याज की फसल भी फंगस अटैक के कारण प्रभावित हुई है। कोरगला, सूरगांव, खैगांव, बावड़िया, बड़गांव, मलगांव, डिग्रीश और आबूद में भी इसी तरह की स्थिति बनती दिखाई दी है। उधर उद्यानिकी विभाग द्वारा शिकायतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे की बात कही जा रही है। ज्ञात हो रहा है कि इस बार जिले में 3300 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बुआई हुई है। अभी ये बताया जाना मुश्किल है कि जलेबी रोग से किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।